हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम गाइस ग्रेविटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो देख लीजिए, जिसमें हमने फोर्स और मोशन के बारे में बात की है। आज हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये आपके वर्ग दो और EMRS TGT साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻²⁴ kg एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻²⁰ kg। तो यहाँ पर हमें मास किस किस का पता है, अर्थ का और मून का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून बी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, अगर अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कितनी हो 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, देन कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। तो आपको ये बताना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून कितना होगा, जहाँ पर जी का मान है 6.7 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहाँ पर देखिए गाइज, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जी की वैल्यू। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.7 × 10⁻¹¹। ठीक है, तो चलिए फिर आज का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखते हैं कि भाई क्या क्या गिवन है। सबसे पहले जो भी चीज़ें गिवन है उसको हम नोट कर लेंगे। ये देखिए, ये किलोमीटर में दिया है तो हम इसको पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 × m2 / r2। आर क्या है, डिस्टेंस है, m मास है, m2 आप किसी भी अर्थ का और मून का या फिर मास किसी का भी ले सकते हैं, पहले किसी के भी मास को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करी और डिवाइड किया, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। गिवन मास ऑफ द मून दिया हुआ है, रेडियस ऑफ मून दी हुई है। ये देखिए अगेन, किलोमीटर में दी हुई है ना, किलोमीटर में दी हुई है तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 10⁻⁶ कैसे आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद 0 लगाया ना, तो यहाँ पर हमने 10⁶ लिख दिया। आई होप क्लियर हो गया। अब ये आपका ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट था, ये ग्रेविटी का फॉर्मूला है, gm/r². ठीक है, तो हम यहां पर जो भी वैल्यूज यहां पर सब कुछ दी हुई हैं वो यहां पर हम रख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हमें इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए हमें लर्न करना होगा। ये देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, मोशन आपने लर्न करी थी ना, इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो देखिए, v की जगह v आएगा, u की जगह u आएगा, a की जगह बस g हो जाएगा और s की जगह यहाँ पर h आ जाएगा। ठीक है, देखो v इज इक्वल टू u प्लस at था, यहाँ पर gt आ गया। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर था, तो ये h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर आ गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो यहाँ पर 2as था तो 2gh आ गया। आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसके बेस पर क्वेश्चन को करते हैं। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर। मतलब ऊपर से एक स्टोन को रिवर में गिराया गया फ्रॉम द ब्रिज। द स्टोन टेक्स 2 सेकंड टू टच द वॉटर सरफेस इन द रिवर, और उस स्टोन ने कितना टाइम लिया, 2 सेकंड लिया उस वॉटर सरफेस को टच करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ ब्रिज फ्रॉम द वॉटर लेवल। अब उस वॉटर लेवल से हमें उस ब्रिज की हाइट का पता लगाना है। तो स्टोन ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट, स्वाभाविक सी बात है, जैसे कोई भी चीज़ है, आप यहाँ देखिए, ये स्टार्टिंग से आप इसको नीचे ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये किस स्टेज में है अभी, रेस्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0। ठीक, टाइम कितना लिया इसने, टाइम कितना लिया, टेक टाइम 2 सेकेंड। ग्रेविटी 9.8, ये आपको जरूर दी होगी, 9.8 रखना है या 10 रखना है, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता है। अब हमको हाइट फाइंड आउट करनी है, तो देखिए हाइट इज इक्वल टू h
इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वैल्यूज रखेंगे तो ये हमारी हाइट निकल कर आ गई 19.6 मीटर। आई होप क्लियर हो गया। क्लियर हो गया है तो आप सब लोग सेशन को लाइक कर कर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये देखिए जैसे कोई बॉल बिल्कुल नीचे रखी हुई है उसको कहाँ पर ऊपर फेंका गया, ऊपर, ठीक है, अपवर्ड। इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, अब इसने यहाँ नीचे से ऊपर जाने में कितनी डिस्टेंस को कवर किया, 19.6 मीटर। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, अब हमें इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। टाइम टेकन बाय टू राइज द हाइएस्ट पॉइंट, और यहाँ पर टाइम को फाइंड आउट करना है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। वॉल इज गोइंग अप अगेंस्ट द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है, बॉल को ऊपर की तरफ खिसका किया गया, तो क्या होगा कि ये जो ग्रेविटी है हम इसको माइनस में लेंगे और जो बॉल की वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी और एक टाइम पर वो कुछ सेकंड्स के लिए ज़ीरो हो जाती है, फिर वो नीचे की तरफ वापस आना शुरू होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी, ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है भाई, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है और बॉल ऊपर की तरफ जा रही है उसके अगेंस्ट, और हाइट है 19.6। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर टाइम भी फाइंड आउट करना है ना, तो अभी ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया थर्ड वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2gh। हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारा u कितना निकल कर आ गया 19.6। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे तो टाइम कितना निकल कर आ गया 2 सेकेंड। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, अब देखिए वापस से बॉल को क्या है, एक हाइट से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। एक चीज आप याद रख लीजिए, अगर आप किसी भी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपका अब कभी भी गलत नहीं होगा। तो क्रिकेट बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है ऊपर से, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, कैलकुलेट द स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, हाइट कितनी दी है 20 मीटर दी है, और यहाँ पर क्या, कैलकुलेट द स्पीड, अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और जी की वैल्यू यहाँ पर 10 दी रखी है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे कौन सा वाला, थर्ड वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कितनी निकल कर आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। इसी का देखिए बी दिया है, कैलकुलेट द टाइम, भाई टाइम निकालना है तो वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से निकाल लेंगे, वी अभी निकल कर आया 20 मीटर, u ज़ीरो है, याद रखिएगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट से गिर रही है नीचे की तरफ तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूज रखें और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ बॉल इज थ्रोन अप विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल इट गो, ये देखिए थ्रोन विथ अ स्पीड, अ बॉल इज थ्रोन अप मतलब आप ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहे हो, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो आ जाएगी, यू इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू आपको दी हुई है, तो अब आप आराम से कर सकते हो, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो इसका मतलब जी आपका काय में आएगा, माइनस में आएगा, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, जी इज इतना, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखिए अब ये वापस ऊपर से गिर रही है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाइम 0.5, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी के फॉर्मूले से इसकी स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी को निकाल लेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया।
इसी का सेकंड पार्ट है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। भाई अब हाइट बतानी है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो हम वैल्यूज रख देंगे तो एच कितना निकल कर आ गया 1.25 meter। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो, पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं जो लोग EMRS TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर CTET TGT साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार TGT साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अलग अलग टेट जहाँ पर भी साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।